जम्मू कश्मीर जहां से बड़े एक्शन की सुगुगुहाट की आवाज आने लगी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां से सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ के बाद ये बड़ा टेक लिया गया है, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी अब है। केंद्र ने बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को हटाया है, दोनों को तत्काल प्रभाव से होम कैडर भेज दिया गया है। बीएसएफ के डायरेक्टर डीजी नितिन अग्रवाल को हटा दिया गया, स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटाया गया है। आतंकी घुसपैठ के मामलों में बढ़ोतरी के बाद ही ये तब्दीली की गई है। इस वक्त का ये बहुत बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर में, जहां पिछले कुछ दिन में घुसपैठ की घटनाएं भी बढ़ी, आतंकी घटनाओं में भी इजाफा देखा गया, साथ ही साथ आतंकियों की संख्या में भी बड़ा इजाफा देखा गया, क्योंकि पिछले ही दिनों जम्मू में 40-50 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर थी, लेकिन अब कुछ ही दिन के भीतर भीतर ये संख्या बढ़कर पहुंच गई है 80-90 तक। और अब आतंकी घुसपैठ के मामलों में भी बढ़ोतरी के बाद ये बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में लिया गया है। बड़ी खबर, सरहद पार से आतंकियों के घुसपैठ के बाद ये बड़ा एक्शन, जहां पर केंद्र ने बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को हटाया है, दोनों को तत्काल प्रभाव से होम कैडर भेज दिया गया है। बीएसएफ के डायरेक्टर डीजी नितिन अग्रवाल जिन्हें हटाया गया, स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटा दिया गया है। इस पर बात हम करेंगे मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी थोड़ी देर बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यू के देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। अनुज माथुर सर, ये जिस तरह अभी बड़ी तब्दीली की गई है, या फिर ये कहिए बड़े पदों में जिस तरीके से परिवर्तन किया गया है, आतंकी घुसपैठ के मामलों के बाद, आतंकी घटनाओं के मामले आने के बाद और आतंकियों की संख्या बढ़ने के बाद, इसे किस तरीके से देखते हैं आप, बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को हटाया जाना? देखिए, जहां तक प्रश्न बीएसएफ का है, बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स की देखभाल करती है। पिछले कुछ समय से वाकई ये देखा जा रहा था कि घुसपैठ में थोड़ी बढ़त हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और न केवल पश्चिमी बॉर्डर पे बल्कि बांग्लादेश बॉर्डर पे भी बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखिए, जब आप टॉप लेवल लीडरशिप को बदलते हैं तो ऑपरेशंस में, जो ग्राउंड पे ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें आइडियोलॉजिकल चेंज आता है। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिवली ना लेकर के ऐसे लिया जाए कि वहां पर आपको आवश्यकता थी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कि एक नया थॉट और एक नया एक आइडियोलॉजी सामने आए और नए तरीके से आपके जवानों में नए मोटिवेशन को फूका जाए। तो ये बड़ी भारी आवश्यकता थी, और मुझे लगता है कि अगर ये उनको लग रहा था कि इनके नहीं सही नहीं तरीके से नहीं काम करने की वजह से शायद ये बढ़ा हो, तो ये एक वेलकम चेंज होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आने के पश्चात, नए लीडरशिप के आने के पश्चात थिंग्स में इम्प्रूवमेंट जरूर जरूर होगा। लेकिन अभी प्रश्न उतना बड़ा वो नहीं है कि बीएसएफ अब क्या करेगी, आगे आने वाले इन्फिल्ट्रेशन को तो रुका जाएगा, लेकिन अभी हमको हैंडल करने हैं वो लोग जो ऑलरेडी जम्मू रीजन में या वैली में भी आकर के फैल गए हैं और ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। उसके लिए आवश्यकता है आपको जम्मू के जो 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 बैकयार्ड है, जो उनका जो जो बाहर पीछे पीछे वाले रियर एरियाज हैं, वहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना। आपने देखा होगा, शायद आप ही के चैनल में कल बताया भी गया था कि असम राइफल्स को वहां लाया जा रहा है। असम राइफल्स एक ऐसी फोर्स है जो कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में बहुत जबरदस्त उनका उनका एक्सपीरियंस है, और उनके आने से मुझे लगता है काफी फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन अभी हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो कि रेयर एरियाज में होना चाहिए, उसको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सके, किस प्रकार से हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको कि बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन रोकना हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी इधर हैं, जिनके पास पॉसिबिलिटी है कि वो आपके आपके ऊपर एक्शन कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना आज की समय, इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आपका ट्रूप कंसंट्रेशन बढ़ाना और बीएसएफ के एक्स्ट्रा लोगों को भेजना, ये तमाम बातें इस बात को मद्देनजर रखते हुए की गई है कि आपके जो 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 इन्फिल्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, उन लोगों को
कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए और यानी आप कह रहे हैं कि काम तो आएगी, ये जो ट्रिक है जिसमें बीएसएफ की डीजी और स्पेशल डीजी को हटा दिया गया है और तत्काल प्रभाव से हटाने का ये फैसला हुआ है, लेकिन हाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी यहाँ जोर देने की जरूरत है। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, घुसपैठियों की संख्या हम देख रहे हैं, घुसपैठ की जो कोशिश है वो लगातार पिछले कुछ दिन में बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी चंद दिन पहले ही हम जिक्र कर रहे थे कि अकेले जम्मू में 40 से 50 आतंकी हैं, वो कुछ ही दिन के भीतर अब 80 से 90 तक पहुंच गए हैं, तो इस एक्शन की जरूरत अभी वक्त की जरूरत थी। रचना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फेरबदल होते रहते हैं। एक तो है कि रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। जनरल माथुर हमारे साथ शो में हैं। हम फौज में भी ऐसे करते हैं कि जो ब्रिगेड कमांडर हैं, डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, हर 1.5 से 2 साल में रोटेशन होता है। एक और चीज क्या है कि फिलहाल जहां तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात है, बहुत ही शानदार काम कर रही है इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो JNK का है। पंजाब बॉर्डर पर भी BSF बहुत बढ़िया काम कर रही है। जरूरत इस वक्त इसलिए पड़ गई कि एडिशनल फोर्सेस BSF की भेज रहे हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट है, देखिए 1000 BSF का जवान अगर डिप्लॉयड है, एक बटालियन डिप्लॉयड है, तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है उसमें जरा फ्रेश थिंकिंग की जरूरत है। तो शायद इसीलिए अब नया और शायद मोर एक्सपीरियंस है डीजी को या एडिशनल डीजी को लाया जाएगा। ये समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल लीडर है उनका बहुत बड़ा रोल होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करने में, डे टू डे फंक्शनिंग में। और सबसे बड़ी बात है, अगर होस्टाइल एक्टिविटी हो रही है तो उस वक्त फ्रंट से, यानी अगर आप देखें डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, DIG लेवल तक जमीन पर सारे अफसर जो होते हैं उनके वो BSF काडर से आते हैं। लेकिन BSF में दूसरी पैरामिलिट्री या दूसरी CAPF की तरह से टॉप लेवल जो उनके कमांडर्स होते हैं BSF के, CISF के, SSB के, CRPF के, वो IAS ऑफिसर होते हैं। हाँ, जो कि किसी दूसरे कैडर से BSF में आ जाते हैं। हाँ, और सीधा ज्वाइन करते हैं IG लेवल पर, DG लेवल पर। तो BSF में मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल राय ये है कि भारत सरकार अगर चाहती है कि BSF ऑपरेशनली और पोटेंट फोर्स हो, तो उनके जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं BSF के, IG हैं, DG हैं, ADG हैं, इन सबको ज्यादा से ज्यादा, असल में 100% ही BSF के जो ओरिजिनल कैडर के अफसर हैं वो होने चाहिए। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसे कुछ चेंजेस भी देखने को मिले जैसा अभी फिलहाल आप सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये जो तब्दीली अभी हुई है, जाहिर सी बात है थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, नए आइडियाज होंगे, और हो सकता है ये जो अभी घटनाएं बढ़ी हैं या आतंकियों की संख्या बढ़ी है, इस पर लगाम लगाने के लिए ये एक नई ट्रिक निकाली गई हो। इन सब के बीच ही एक और अपडेट है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं आतंकी गतिविधियों की, उसमें जम्मू पुलिस ने आतंकी यासीर भट्ट के पोस्टर्स जगह जगह लगा दिए हैं। यासीर भट्ट के पोस्टर्स लगाने के बाद, यासीर भट्ट ने 2019 में ग्रेनेड से हमला किया था, बेल पर बाहर आया यासीर भट्ट, अब घर से फरार हो गया है। ऐसे में आतंकी यासीर भट्ट के फरार होने के बाद कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुलगाम का रहने वाला था आतंकी यासीर भट्ट, अब ऐसे में जब वो फरार हुआ है जेल से बाहर आने के बाद, तो जगह जगह जम्मू पुलिस ने पोस्टर लगा दिए हैं, और पोस्टर्स सीधे तौर पर लोगों को चेताने के लिए, बताने के लिए हैं कि आतंकी यासीर भट्ट अब फरार होने के बाद किसी भी तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है, किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। जम्मू पुलिस ने न सिर्फ ये पोस्टर लगाए हैं बल्कि लोगों को अवेयर भी किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बेल पर बाहर आया हुआ है यासीर भट्ट। 2019 में जिस तरीके से ग्रेनेड से हमला किया था उसके बाद जेल जाना पड़ा, लेकिन अभी बेल पर बाहर है। अनुज माथुर सर, ये तो खतरे वाली बात हो गई, बेल पर बाहर आने के बाद अचानक से फरार हो जाना, और वो भी उस वक्त पर जब जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह रह रहकर आतंकी गतिविधियां बढ़ी ही हैं। हाँ बिल्कुल रचना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि पहले भी हम इस बात के बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी किसी टेररिस्ट को यहाँ पर एक्टिविटी करनी होती है, वो लोकल सपोर्ट
लोकल गाइडेंस और यदि संभव है तो लोकल लीडरशिप कोऑर्डिनेशन पर बहुत निर्भर करता है। तो मेरा ये मानना है कि यासिर भट्ट का इस तरीके से गायब हो जाना शायद इस बात को दिखाता है कि वो लोग वहां से जब अपने लोगों को आगे भेज नहीं पा रहे हैं, उनका इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, उन्होंने अपने SSG को पीछे भिजवा दिया है। और जैसा कि देवनाथ साहब कह रहे थे कि BSF बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है और इस प्रकार से, तो उनको आवश्यकता थी शायद यहाँ पर कि एक लोकल कोऑर्डिनेटर मिले जो कि जो लोग यहाँ इन्फिल्ट्रेट करके आ चुके हैं उन लोगों के एक्शन को कोऑर्डिनेट कर सके और कोई इफेक्टिव रूप से हमला कर सके। तो इसकी एक बहुत प्रबल संभावना है कि यासिर भट्ट जी जो हैं वो जाकर के जो ऑलरेडी यहाँ पर लोग आ चुके हैं उनके साथ मिलाप करें और कोऑर्डिनेटेड एक्शन करने का प्रयास करें। लेकिन इसमें भी एक अच्छी चीज हमको देखने के लिए मिल सकती है, मैं मालूम है कि उसको किस प्रकार से ट्रैक करना है और उसको नेल डाउन करना है, तो ये एक संभावना बनती है रचना कि उसको ट्रैक करते करते हम टेररिस्ट के पास पहुंच करके और उन टेररिस्ट को इनफैक्ट ही कैन बिकम वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम उसको ट्रैक करके लाख पकड़ सकते हैं। हमने कई दफा कश्मीर वैली में घाटी में ऑपरेट करते हुए इस प्रकार के काम किए हैं। और आप ये देखेंगे कि मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि आपको अपना जो काउंटर टेरर ग्रिड है उस काउंटर टेरर ग्रिड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। और उसका तरीका ये होता है, देखिए किसी भी चीज की जो डिफेंस है वो उसकी पेरिफेरी में होती है, अगर आप अपनी पेरिफेरी को सिक्योर कर सकते हैं तो आप देखिएगा कि आपको कभी भी धोखा नहीं होगा और आपके ऊपर कभी भी हमला सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि आपके जो काउंटर टेरर ग्रिड है वो और ज्यादा ऑफेंसिव प्रोएक्टिव होकर के अपने बेस से उठ के और बाहर निकल करके पेरिफेरी पर ऑपरेट करे और इनको खोज के, इनको नेल डाउन करके, इनको एलिमिनेट करें, ये बहुत आवश्यक है। तीसरी बात ये होती है कि ये जो व्यक्ति है ये नॉन टेररिस्ट है, और ये नॉन टेररिस्ट है तो इसका अर्थ ये है कि ये न केवल जाकर के जो बाहर से आए हैं उनको कोऑर्डिनेशन करेगा बल्कि वो ये प्रयास करेगा कि यहाँ के जो लोग हैं जो संभल रहे हैं कि वो जब बदलाव हो रहा है इसलिए वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को ब्रेन वॉश करके और उनको दोबारा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व संलिप्त करने का प्रयास करेगा। तो मेरे को लगता है कि इसका भागना एक काफी इम्पोर्टेंट इशू है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और इसको जल्दी से जल्दी ढूंढ के इसको नेल डाउन करके इसको एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। ये बात आप सुन लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप जेल में जाते हैं वहां से बेल पे बाहर आ जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दोबारा। रचना जी आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है जम्मू कश्मीर से ही है ये अपडेट। जम्मू कश्मीर में आतंक पर जहां प्रचंड प्रहार तो चल रहा है, आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन तेज किया है, राजौरी पुंछ और कुपवाड़ा में सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक के सफाई के लिए सेना ये सर्च ऑपरेशन चला रही है, खास तौर से जंगल के एरिया में, क्योंकि ये वो जंगल के एरिया हैं, ये वो घने जंगल हैं जहां पर आतंकी छिपकर बैठते हैं या फिर पहले से इनके ठिकाने बने होते हैं। पिछले ही दिनों जिस तरीके से इस तरह के सर्च ऑपरेशन में आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ, वहां से अमेरिकी मेड राइफल भी मिली और साथ ही साथ अलग गोला बारूद और चाइनीज पिस्टल भी मिली है। ऐसे में इन्हीं घने जंगलों में ये जो सर्च ऑपरेशन है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होते हैं और सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण भी। लेकिन यूके देवनाथ सर, इस तरह के सर्च ऑपरेशन लगातार चलाना जरूरी भी है, 5 अगस्त भी करीब है, 15 अगस्त भी करीब है। कश्मीर में फिलहाल जो सुरक्षा तंत्र है उसको काफी मजबूत किया जा रहा है। BSF की 2 बटालियंस को उड़ीसा से मूव किया जा रहा है एयरलिफ्ट करके कश्मीर में। 500 आर्मी के जो पैरा स्पेशल फोर्स के जवान हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है क्रिटिकल पॉइंट्स पर, पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर। एडिशनल जो कार्रवाई की जा रही है वो ये है कि पंजाब पुलिस और हिमाचल प्रदेश स्टेट की जो पुलिस है उनको कश्मीर के बॉर्डर पर बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहने के लिए कहा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो 3 बटालियन BSF की जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से एयरलिफ्ट कर कश्मीर में भेजी जाएंगी। तो 5 अगस्त को धारा 370 के निरस्तीकरण के 5 साल होने वाले हैं, उसके तहत फिर आने वाले 15 अगस्त को आज़ादी का त्यौहार है, फिर एक फेस्टिव सीजन आ रहा है और उसके बाद सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं।
तो सुरक्षा तंत्र लगातार मजबूत किया जा रहा है। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट जो हुई है वो हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है, आर्मी का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको और गहन किया गया है। लोकल जो LIUs हैं, स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस फीडबैक सिस्टम है, CIDs हैं, उनको अलर्ट मोड पर तो पहले ही थे, अब उनको दोहरा अलर्ट कर दिया गया है। NIA, IB और रॉ के जो एजेंट्स हैं, ना सिर्फ बॉर्डर के अंदर वरन बॉर्डर के उस तरफ भी वो चौकन्ने हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत बड़ी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम्स भारत के पास अवेलेबल हैं, इनको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है और 24 घंटे वो दुश्मन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, उनको मॉनिटर कर रही हैं। तो जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजबूत किया जा रहा है। एक खुशी की बात ये भी है कि जो विलेज काउंसिल्स हैं, विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको थोड़ा बढ़िया हथियार दिए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग और कॉम्बैट ड्रेस दिए जा रहे हैं, और जो विलेज की जो लोकल बॉडी होती है एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सरपंच हो, नंबरदार हो, इनको भी ब्रीफ किया गया है कि अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो उसको तुरंत पुलिस को, आर्मी को या जो नियरेस्ट BSF यूनिट है वहां पर बताएं। जी, जिस तरीके के हालात अभी नजर आते हैं, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, अपनी तैयारी भी है, अत्याधुनिक हथियार भी है, सेना के पास फ्री हैंड भी है। अनुज माथुर सर, एक तरफ तो हम तैयारियां मुस्तैदी के साथ दिखाते हैं, उसका नतीजा भी ऐसा होता है कि कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया जाता है, आतंकी ठिकानों नस्ब नाबूद हो जाते हैं, आतंकी भी ढेर होते हैं, लेकिन कई बार ये सभी चीज़ें फेल साबित हो जाती हैं। जैसे आप पिछले दिनों श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर हमले का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसे अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने में आतंकी कामयाब कैसे हो जाते हैं, हमारी कमी कहाँ है? देखिए रचना, इसको मैं पुनः आपसे कहूंगा, कमी नहीं कहा जाएगा इसको, यूं कहते हैं, देखिए जब आपके पास लोकल लेवल के ऊपर सपोर्ट की कमी हो जाती है। अब देखिए, सपोर्ट की कमी होने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप उनसे इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर पा रहे, और दूसरा तरीका यह है कि वो किसी छोटे बड़े लालच के तहत वो अपनी आपकी इंफॉर्मेशन टेररिस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दो तरफा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हरकतों में तेजी आई है उसमें कहीं ना कहीं वहां के कुछ लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से रचना, कि जब तक लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक लोकल सपोर्ट इनके पास नहीं होगा, तब तक ये किसी प्रकार से सफल नहीं हो सकती। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी इतना बड़ा कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कि आज से 20-22 साल पहले सर्वनाश ऑपरेशन हुआ था, मिलिट्री ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो हथियार है उसको पेशेंस कहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये बात कहने का प्रयास किया था तो कोई कांग्रेसी प्रवक्ता फड़क गए थे इस बात पर। पेशेंस में ऊपरी सरकार की तौर लेवल पर नहीं कह रहा हूं, आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी अपने ग्राउंड ऑपरेशंस के लेवल पे। आप लगातार पीर पंजाल के दक्षिण से या उत्तर से टेररिस्ट पे दबाव डालते रहें, उनको फोर्स करें कि वो बाहर निकलें अपने बिल से, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं आपको एलिमिनेट करें। काम करने का तरीका होता है रचना, तो इस तरीके को इसका आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आज बस पे हमला हुआ और आपने 4 घंटे बाद उसको, यानी आप कह रहे हैं पेशेंस यानी कि सब्र का फल मीठा होता है, और वही सब्र हमारे सेना के जवान रखते हैं। जी जी, क्योंकि वक्त की कमी है अनुज सर।